हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, कैरियोटाइप, जिसको हम केंद्रक प्ररूप भी कहते हैं। जब भी सोमेटिक क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है उन्हें हम कैरियोटाइप या केंद्रक रूपक कहते हैं। क्रोमोसोम्स की जनरल मॉर्फोलॉजी, जैसे कि साइज ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन का प्रेजेंस या साइज ऑफ सैटेलाइट बॉडी, इन सब कैरेक्टर्स को जब हम लेकर क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को या उस व्यवस्था को हम केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप कहते हैं। जनरली जो कैरियोटाइप्स हैं उनका जो अरेंजमेंट, कैरियोटाइप्स में क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट जो रहता है उसमें सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अर्थात घटती हुई साइज़ में या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ क्रोमोसोम्स में उनको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ा क्रोमोसोम एक्सट्रीम लेफ्ट में और सबसे छोटा क्रोमोसोम्स जो है वह एक्सट्रीम राइट में रखा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम्स को भी उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग रखा जाता है, उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है उसे पहले रखा जाता है और वाई क्रोमोसोम सबसे लास्ट में। जब इन क्रोमोसोम्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए जब हम इनका डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इडियोटाइप। वह चित्र जो आकार के घटते हुए क्रम में समजात गुणसूत्रों को प्रदर्शित करता है वह भावचित्र या गुणसूत्र आलेख या इडियोग्राम कहलाता है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और जब इन क्रोमोसोम्स को हम डायग्रामेटिकली अरेंज करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम गुणसूत्र आलेख, इडियोग्राम या इडियोटाइप कहते हैं। इंटरफेस या अंतरावस्था में गुणसूत्र जो हैं वह जाल के रूप में होते हैं, जिन जाल को हम क्रोमेटिन या क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमेटिन जाल या क्रोमोसोम्स को हम जब स्टेन करते हैं तो यह स्टेन जो है समान रूप से दिखाई नहीं देता है। कुछ भाग जो रहते हैं वो डीपली स्टेन होते हैं और कुछ भाग जो रहते हैं वो लाइटली स्टेन या हल्के अभिरंजित होते हैं। ईमेल हिट्स के अनुसार इन क्षेत्रों को जो डार्कली और लाइटली स्टेंड होते हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। पहले हेटरोक्रोमेटिन। हेटरोक्रोमेटिन वह क्रोमेटिन का पार्ट है जो डीपली स्टेंड होता है इंटरफेज और प्रोफेज में, और मेटाफेज के टाइम यह लाइटली स्टेंड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट्स जो है इसमें डीएनए या जीन्स नहीं होते हैं, ये पार्ट्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और यह हेट्रोक्रोमेटिन जो है वह जेनेटिक या हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करने में इनएक्टिव होता है और यह माना जाता है कि यह न्यूक्लिक एसिड्स के मेटाबॉलिज्म या उपापचय को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। हेट्रोक्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो रहते हैं वे परमानेंटली जो हैं हेट्रोक्रोमेटिक स्टेज में होते हैं, यानी कि ये परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटिक होते हैं और ये यूक्रोमेटिक स्टेट में बदल नहीं सकते हैं। क्रोमोसोम्स 1, 9, 6 और वाई क्रोमोसोम जो हैं इनमें कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन जो यूक्रोमेटिक रहता है लेकिन किसी कारण या किसी डेवलपमेंट की फेजेस में वह हेट्रोक्रोमेटिक भी हो सकता है। एक्स क्रोमोसोम्स जो है वह फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का बनावा होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क का जो एरिया लाइटली स्टेन्ड होता है उन्हें हम यूक्रोमेटिक रीजन कहते हैं। जब स्टेन करते हैं तो यूक्रोमेटिक रीजन इंटरफेस स्टेज में लिटिल स्टेन रहता है और मेटाफेस स्टेज में डीपली स्टेन्ड होता है। यूक्रोमेटिक स्टेज में ही
क्रोमोसोम्स के अंदर सारा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसलिए यह कहा जाता है कि यूक्रोमेटिक स्टेज जो है वह सारे हेरिडिटरी फैक्टर्स को कंट्रोल करती है और जेनेटिकली एक्टिव होती है। यूक्रोमेटिन जो रहता है वह दोनों ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और सबसे एक्टिव पार्ट होता है जो हेरिडिटरी फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। केमिकली क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी कि वह आरएनए, डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर 30-40% डीएनए होता है, 50-65% प्रोटीन और 0.5-10% तक आरएनए होता है। सबसे पहले डीएनए। डीएनए का जो अमाउंट है वह सोमेटिक सेल के अंदर कांस्टेंट होता है और डीएनए के अंदर कोई भी वेरिएशन आ जाए तो वो उसके क्रोमोसोम के नंबर और साइज़ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। गैमेटिक सेल्स जो होती हैं या जो गैमेट्स होते हैं उसके अंदर सोमेटिक सेल से आधा डीएनए होता है। डीएनए क्रोमोसोम का एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन और उनके इंक्रीज या डिक्रीज नंबर पर डिपेंड करता है। क्रोमोसोम्स के जो डीएनए वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिक डीएनए, एक होता है रेपिटेटिव डीएनए। यूनिक डीएनए नाम से समझ आता है कि ऐसे डीएनए के सेगमेंट्स जिसमें बेस सीक्वेंस जो है वह उनकी एक ही सिंगल कॉपी होती है, मतलब बेस सीक्वेंसेस रिपीट नहीं होते हैं, वे यूनिक होते हैं। यूनिक डीएनए को हम नॉन रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक बेस सीक्वेंस की एक ही कॉपी होती है, यानी कि बेस सीक्वेंसेस रिपीट नहीं होते हैं। रेपिटेटिव डीएनए ऐसे डीएनए जिनके अंदर बेस सीक्वेंसेस जो रहते हैं वह 100 बेस पेयर तक लंबे होते हैं और ऐसे बेस सीक्वेंसेस जिनकी काफ़ी सारी कॉपीज़ होती हैं और ह्यूमन जीनोम के अंदर 30% रेपिटेटिव डीएनए पाए जाते हैं। रेपिटेटिव डीएनए जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हाईली रेपिटेटिव डीएनए एंड मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए। हाईली रेपिटेटिव डीएनए वे डीएनए जिनके अंदर बेस सीक्वेंसेस की जो कॉपी है वो 10^5 या मिलियन कॉपीज एक बेस सीक्वेंस की होती है। हाईली रेपिटेटिव डीएनए जो रहते हैं वह हेटरोक्रोमेटिक रीजन में पाए जाते हैं। मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए मतलब ऐसे बेस सीक्वेंसेस जिनकी कॉपीज 10^5 कॉपीज से कम होती है और यह जो है यह हिस्टोन्स, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स को बनाती हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वह 10-15% होता है। यह आरएनए जो रहता है यह मैसेंजर, ट्रांसफ़र और राइबोसोमल टाइप का आरएनए होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, हिस्टोन और बेसिक प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स सिंपल, सरल या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। ये अल्कलाइन होते हैं, इनके अंदर अल्कलाइन अमीनो एसिड्स जैसे हिस्टाइडीन, आर्जिनाइन व लाइसिन होता है। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर एसिडिक अमीनो एसिड्स पूर्ण रूप से एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं और इनका जो वेट होता है वह 10,000-30,000 होता है। इनके अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं होता और यह डीएनए के साथ 1:1 रेशो में प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए रहते हैं क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है और हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं वे 5 डिफरेंट फ्रैक्शंस में दिखाई देते हैं और ये 5
हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं वे होते हैं H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 जो रहता है वो लाइसिन रिच रहता है, यानी कि लाइसिन की अत्यधिक मात्रा होती है। H2A और H2B जो रहते हैं स्लाइटली लाइसिन रिच, यानी कि अधिक मात्रा होती है लेकिन H1 से कम। और H3 और H4 के अंदर आर्जिनाइन रिच होते हैं, यानी कि आर्जिनाइन की मात्रा अधिक होती है। H1 जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वह क्रोमेटिन से सेपरेट हो सकता है, और यह माना जाता है कि H2A, H2B, H3 और H4 जो हैं वह क्रोमेटिन फाइबर्स का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और H1 जो हिस्टोन है वह सारे क्रोमेटिन फाइबर्स को होल्ड करने में या उनकी पकड़ मजबूत करने में सहायता करता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जिन्हें हम NHC भी कहते हैं, यह क्रोमोसोम्स का टोटल 20% ऑफ प्रोटीन मास होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं वो क्रोमोसोम का 80% पार्ट कवर करते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं वे एसिडिक टाइप के होते हैं। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा होता है, जो 11,000 से 21,000 तक का होता है। इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर एसिडिक अमीनो एसिड्स जैसे ट्रिप्टोफैन या टायरोसिन की मात्रा अधिक होती है, और बेसिक अमीनो एसिड्स कम होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का जो नंबर है वह 12 से 20 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हिस्टोन प्रोटीन्स में जो है वह मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं वे मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी डिसिमिलर या उनमें रचनात्मक रूप से काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस इंटरफेज की S फेज में होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का G1 और G2 फेज में होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं वे 3 टाइप्स के होते हैं, संरचनात्मक या संश्लेषी या स्ट्रक्चरल या सिंथेटिक, एंजाइमेटिक और रेगुलेटरी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इंक्लूड करता है काफ़ी सारे एंजाइम्स जैसे DNA और RNA पॉलीमरेज। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो अनेक प्रकार के प्रोटीन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म और अनेक प्रकार के एंजाइम्स जैसे पॉलीमरेज, न्यूक्लियस आदि के उपापचय या मेटाबॉलिज्म या DNA के द्वारा जीन एक्सप्रेशन की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वे सारे प्रोसेस का इंचार्ज रहता है, या प्रोटीन सिंथेसिस हो, सेल डिवीजन हो, या हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करना हो। पैकेजिंग मटेरियल दैट बाइंड्स DNA एंड प्रोटीन टुगेदर। क्रोमोसोम्स जो हैं वो DNA और प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसलिए यह एक पैकेजिंग मटेरियल होता है जो DNA और प्रोटीन को एक साथ रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वह भी क्रोमोसोम्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स का या इंडिविजुअल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके अंदर भी क्रोमोसोम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वह हेरिडिटरी व्हीकल्स होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनको भी क्रोमोसोम्स ही कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम्स के अंदर जो DNA होता है वह सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाता है, जो सेलुलर फंक्शंस जैसे ग्रोथ है, सर्वाइवल है या डेवलपमेंट है। क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वह जेनेटिक मटेरियल DNA को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से सेल डिवीजन के दौरान। क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वह सेल डिवीजन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और यही सेल डिवीजन का रेप्लिकेशन, डिवीजन या नई डॉटर सेल्स बनाने में मदद करते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं यह सेल डिवीजन के दौरान मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। थैंक यू।